वेलकम टू पिजन्स लवर चैनल्स। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले करने के लिए आए, वो टॉपिक है कबूतर की डीवॉर्मिंग। कबूतर की डीवॉर्मिंग किस तरह करें? तो कबूतर की डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। कबूतर में अंदर जिसके अंदर वार्म हो गए तो उसको बहुत गल जाता है, कबूतर लूज हो जाता है। तो इसीलिए कबूतर की डीवॉर्मिंग करते रहना चाहिए। डीवॉर्मिंग करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए, उसमें तो एक सबसे पहले चीज़ है गुड़, और दूसरी है ये बैंडी प्लस सायरप। गुड़ अपने को ये डोज देने से पहले देने का है, ये बैंडी प्लस सायरप है और ये गुड़ है। ये चने के दाने के इतना कबूतर को गुड़ देना है, और उसके बाद में ये जो बैंडी प्लस सायरप है 10 ml की आती है, कि 1.5 ml पानी में पूरी मिक्स करके बना लेना है। और फी कबूतर मतलब पर कबूतर को 10 ml देना है। और ये तरीका देने का सुबह सवेरे खाली पेट कबूतर को देने का है, सुबह मॉर्निंग में 10 ml पर कबूतर देना है। ठीक है, आधा ml लेने का ना? हाँ, दवा आधा ml लेने का ना? नहीं, ये 1.5 liter का ही है। 1.5 liter पानी में पूरी 10 ml दवा मिक्स करके एक एक कबूतर को 10 ml देना है, अगर आपके पास ज़्यादा कबूतर है। अगर आपके पास अगर कम कबूतर है, जैसे कि फिलहाल मेरे पास एक सिंगल मादी है जिसकी मुझे डीवॉर्मिंग करना है, तो उसका डीवॉर्मिंग करने के लिए हमें ये जो बैंडी प्लस सायरप है तो ये आधा ml लेना पड़ेगा। आधा ml बैंडी प्लस सायरप बराबर, इसका ज़्यादा डोज नहीं लेने का, सिर्फ आधा ml लेना है। आधा ml लेकर उसमें पानी मिलाना, पानी मिक्स करना है। और अपनी जो मादी है उसे, मतलब जो भी कबूतर है आपका, मेरे पास तो फिलहाल ये मादी है, ये गंजी मादी है, ये असल में बहुत लूज हो गई है, बहुत गल गई है, सुक्के में आ गई थी भाई। सुक्के में से इसका ट्रीटमेंट कर लिया है पुण्य वैसा, अभी तो फिलहाल में इसको आंखों कुछ लग नहीं रहा है, जो भी खा रही है पी रही है, खा रही पी रही दो टाइम माशाल्लाह, ऐसा कुछ तकलीफ है। 2 महीने से ऐसी लूज है, लेकिन उसकी आंख नहीं पकड़ रही, ये बहुत लूज हो गई है, धोखा दे रही है। पर ढीले डाल दी पूरे, पर ढीले डाल दी, खा रही पी रही है लेकिन वो लूज हो जा रही है। ठीक है भाई, तो उससे अपने 1.5 ml आज उसका डीवॉर्मिंग करेंगे और आपको बताएंगे डीवॉर्मिंग का क्या रिजल्ट आता है और कैसे वार्म गिरते 100% रिजल्टेबल है। ठीक है, ये देखो आधा ml ये लेने का, इसमें आधा ml ले एक कबूतर के हिसाब से, एक कबूतर के हिसाब से, और उसको 5 ml पानी मारने का, ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया अपना सिंगल कबूतर, सिंगल कबूतर का डोज। अगर आपके कबूतर ज्यादा है, मतलब 10-15-20 तो 1.5 liter में कबूतर ज्यादा है तो 1.5 liter पानी में देना, 1.5 liter। और कबूतर को ये डोज देने से पहले भाई गुड़ देना ना भूले, 5-10 मिनट पहले दवा देने के पहले चने के दाने के इतना अपना जो पीला गुड़ आता है ये दे दीजिए, उससे कैसा अपने जो वॉर्म है ये मीठे की वजह से मतलब खाने के लिए बाहर आएंगे उसे, और फिर जो बाद में जो दवा है उसका असर दिखाएंगे। दवा दे देने अपने, वीडियो रोक दो। हाँ भाई, अपन ने इसको 5 ml दवा दे दिए, अपने अपन ने जो भी कबूतर को, आप जो भी कबूतर को डीवॉर्मिंग करेंगे जो है ना, यहाँ से 1.5 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद हम आपको बताएंगे कि इसके वार्म किस तरह से गिरते हैं, राउंड वार्म है, प्लेट वार्म है, किस तरह के वार्म है। तो देखिए भाई, ये अपनी मद्दी है जो अपन ने सुबह अलग रखे थे इसको, तो आज अभी इसने बीट वगैरह करी, इसकी बीट में देखिए किस तरह से वॉर्म गिरे हम आपको बताते हैं। ठीक है, 1 मिनट आराम से भाई, ये देखिए भाई, ये इसके वॉर्म गिरे हुए सब दिख रहे हैं आपको भाई, देखो रॉन्ग वॉर्म, ये वॉर्म अच्छा रिजल्ट है इसका ना, 100% रिजल्ट है भाई। और अब इंशाल्लाह मादी भी पहले से ताकतवर तंदुरुस्त हो जाएंगी। और भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब करिए पिजन लवर चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।